देश की खुफिया एजेंसियों ने आज एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा है कि पाक और चीन भारत की तीनों सेनाओं के अफसरों के पीछे लड़कियों को लगाकर उनसे देश से जुड़े अहम राज जानने की कोशिश कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने तीनों सेनाओं के अफसरों को अलर्ट जारी किया है। इसमें बताया गया है कि पड़ोसी देश भारतीय सेना के अधिकारियों को हनी ट्रैप फंसाकर उनसे गुप्त सूचनाएं जानने की साजिश रच रहे हैं। हनी ट्रैप इंडियन आर्मी ऑफिसर्स। खबर के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने तीनों सेना के अधिकारियों को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और चीन ने कुछ हाई प्रोफाइल लड़कियों का एक ग्रुप बनाया है जो अफसरों को सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम से अपने जाल में फंसाने के लिए कोशिश करने वाली हैं। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर इन अफसरों को किसी भी अनजान लड़की के संपर्क न करने की हिदायत दी है। अलर्ट में कहा गया है कि अगर कोई अनजान महिला या लड़की आपसे संपर्क करें तो यह हनी ट्रैप हो सकता है, इसलिए ऐसी लड़कियों से दूर रहें। खुफिया एजेंसियों द्वारा जारी अलर्ट के मुताबिक ऐसी लड़कियां अफसरों को फंसाने के लिए शारीरिक संबंध भी बना सकती हैं, जिसका इस्तेमाल अधिकारियों को जाल में फंसाने के लिए किया जा सकता है। व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए अफसरों को निशाना बनाने की साजिश। खुफिया एजेंसियां ऐसे मामलों से बचने के लिए अधिकारियों को जागरूक कर रही हैं ताकि दुश्मनों की इस साजिश को रोका जा सके। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चीनी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां भारतीय अधिकारियों पर नजर रखे हुई हैं। इसके अलावा चीनी खुफिया एजेंसियां पोर्न साइटों पर विजिट करने वाले अधिकारियों के भी रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही हैं ताकि उन्हें फंसाया जा सके। दरअसल इस सब के पीछे चीन और पाक का मकसद लड़कियों के हुस्न के जाल में फंसाकर अधिकारी से देश की खुफिया सूचनाएं निकलवाना है। ऐसे अधिकारी किसी के सामने मुंह भी नहीं खोल पाते जो देश की खुफिया सूचनाएं दुश्मन देश को साझा कर चुके होते हैं, जिसका फायदा उठाकर दुश्मन अपना काम निकलवाते रहते हैं।